नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समाज से नशे जैसी बुराई को मिटाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर पुलिस विभाग ने ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, एम्बुलेंस और पुलिस गाड़ियों के माध्यम से कैथल शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह यात्रा ट्रैफिक SHO SI रमेश कुमार की टीम और नशा जागरूकता टीम में शामिल SI करमबीर सिंह, ASI ओम प्रकाश, HC सुनील कुमार, महिला सिपाही मनीषा सुमन और होमगार्ड गुरुदेव की अगुवाई में निकाली गई यात्रा को नया बस अड्डा कैथल से DSP हेडक्वार्टर उमेद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा नया बस अड्डा करनाल रोड से होते हुए टेहोवा चौक से वापस नया बस अड्डा पर समाप्त हुई। कैथल से हमारे संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। ये हमारे DGP जी श्री मैडम उपासना SI के अध्यक्षता में हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि हम गांव गांव जाकर हर वार्ड वाइज जाकर हर जगह जाकर सारे स्थान पर नशे से मुक्त कराएंगे। हमने कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी गांव को काफ़ी वार्डों को बिल्कुल भी नशा मुक्त कराया, जो गांव के लोगों ने खुद ही अपने गांव के अंदर बैनर लगा कर हमारा गांव नशा मुक्त है, इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं और भी लोगों को जागरूक करके टोटल हरियाणा को हम नशा मुक्त करना चाहते हैं। गांव में हमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है, जो नए जवान पीढ़ी है जो हमारा काफ़ी साल दे रहे हैं, हर गांव के अंदर जहाँ भी जाते हैं लोगों का पूरा हमारे को सहयोग मिल रहा है। हम लगातार जो हमारी ये टीम बनाई हुई है मैडम उपासना के IPS के नेतृत्व में, ये लगातार यही काम कर रहे हैं, हमने नशे से मुक्त कराना हरियाणा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।